अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। ये इंस्टॉल करने के बाद अब जो है हम आगे मूव करते हैं डाटा विजुलाइजेशन की तरफ। हम सबसे पहले अपनी लाइब्रेरीज़ जो हैं उनको इंपोर्ट करवा लेते हैं, जो हमने दो इंस्टॉल की हैं। इंपोर्ट मैट प्लॉट लिब एज MLP एंड इंपोर्ट मैट प्लॉट लिब डॉट पाई प्लॉट एज PLT, उसमें से पाई प्लॉट को हमने इंपोर्ट करवाया PLT के तौर पे। और इसके साथ ही हम इंपोर्ट करवा लेते हैं सी बोर्न एज SNS। तो हमने ये लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट करवा ली है। इन लाइब्रेरीज़ को इंपोर्ट करवाने के बाद अब हम जल्दी से हिस्टोग्राम को देख लेते हैं अपने मैटप्लोटलिब के ज़रिए से। तो मैं सबसे पहले लिस्ट, दो लिस्ट क्रिएट कर लेता हूँ। मैं लिस्ट वन के नाम से एक लिस्ट क्रिएट करता हूँ। मैं कहता हूँ 1, 2, 3। डाटा रैंडमली पुट कर देता हूँ मैं। चलें, इसी तरह लिस्ट टू मैं क्रिएट कर लेता हूँ। हमने लिस्ट टू भी क्रिएट कर ली। इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। LEN लेंथ चेक कर लेते हैं लिस्ट वन की, क्या है 10 है। इसी तरह LEN लिस्ट टू की लेंथ चेक कर लेते हैं, वो 11 है। एक एलिमेंट को हम डिलीट कर लेते हैं, 10 को डिलीट कर लेते हैं। अब दोनों की लेंथ हमारे पास इक्वल है। तो मैं अपना मैटप्लोटलिब के ज़रिए से अभी हिस्टोग्राम उसको ड्रॉ करने की ज़रूर कोशिश करता हूँ। तो PLT डॉट हिस्ट का मेथड है, उसके ज़रिए से मैं पहले लिस्ट वन को इम्प्लीमेंट कर लेता हूँ। तो लिस्ट वन मेरी, उसके तमाम मेंबर्स जो हैं वो मेरे शो हो गए हैं। ठीक है, तमाम डाटा मेरा हिस्टोग्राम में शो हो गया है। इसके अंदर नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स अगर मैं मॉडिफाई करने चाहूँ, मैं इसको कलर इज़ इक्वल टू रेड कर देता हूँ। तो अब रेड कलर में मुझे शो हो रहा है। मुझे थोड़ा सा, ठीक है, अच्छा रेड कलर में शो हो रहा है। और अगर आप चाहते हैं कि अगर आपने नॉर्मलाइजेशन करना, नॉर्मलाइज करना है अपने इस डाटा को, तो आपको जो आर्गुमेंट पास करना पड़ता है, नॉर्मेट इज़ इक्वल टू ट्रू। तो आपने, आपका अब ये जो डाटा है नॉर्मलाइज है आपका अब डाटा, बगैर उसके चेक कीजिएगा ज़रा आप, बगैर उसके आपका डाटा नॉर्मलाइज नहीं है। ठीक है, अब जैसे ही मैं नॉर्मेट इज़ इक्वल टू ट्रू करता हूँ, तो अब डाटा आपका मोस्ट एक्यूरेट है, बिल्कुल नॉर्मलाइज डाटा आपने रिसीव कर लिया। इसी तरह PLT डॉट हिस्ट, उसके अंदर लिस्ट टू को मैं पास कर देता हूँ। उसका कलर मैं कलर इज़ इक्वल टू ब्लू ही करता हूँ। और उसके बाद नॉर्मेट इज़ इक्वल टू ट्रू, ब्लू नॉट डिफाइन, सॉरी सिंगल कोट्स में आएगा। तो आपका अब इस तरह वो डिफाइन हो गया है। अच्छा, मैं दोनों, इसके अंदर एक और पैरामीटर भी मेरे पास होता है, इस टाइम 10 है। एक और पैरामीटर भी मेरे पास होता है, वो होता है बीन्स का। ठीक है, बीन्स इज़ इक्वल टू मैं कर देता हूँ 20। तो अब 20 बीन्स के ज़रिए से डाटा शो किया जा रहा है। बीन जो होते हैं, ये आपके पास ये एक बीन है, ठीक है, इस तरह ये बीन्स को जाहिर करता है। डिफ़ॉल्ट जो ये एक है, ये दो है, नेक्स्ट दो है, तीन है, चार है, इस तरह ये बीन्स को जाहिर करता है। डिफ़ॉल्ट जो बीन्स होती हैं वो आपके पास 10 होती हैं। ठीक है, मैं वैसे यहाँ पे लिख लेता हूँ बीन्स इज़ इक्वल टू 20।
अच्छा, अब एक और जो आपके पास आर्गुमेंट है यहाँ पे आता है वो है अल्फ़ा का। अल्फ़ा मैं कह देता हूँ, अगर मैं वन कर दूँ इसको, अल्फ़ा को वैल्यू वन दे दूँ, नॉट 100 है, 0.5 दे लेता हूँ, तो अब यानी कि ट्रांसपेरेंसी ओपेसिटी जो है उसकी उसके अंदर चेंज आया है आपने अल्फ़ा जिस तरह ही प्लेस किया है। अब हम क्या करते हैं, हम इन दोनों अपने डाटा सेट का इंटरसेक्शन काउंट कर लेते हैं, हम चेक कर लेते हैं कि हमारा इंटरसेक्शन कहाँ पे है। मैं इस लाइन को कॉपी करता हूँ और इधर आके पेस्ट कर देता हूँ, एक का कलर ब्लू एक का कलर रेड, कॉमा बीन्स इज इक्वल टू 20, दोनों की बीन्स 20 कर देता हूँ, बल्कि बीन्स जो है उनको मैं 10 ही रहने देता हूँ, डिफ़ॉल्ट बीन्स मैं रहने देता हूँ, उसको चेंज नहीं करता, लेकिन अल्फ़ा ओपेसिटी मैं चेंज कर रहा हूँ। तो एरर रिसीव हुआ है कुछ, अल्फ़ा, अच्छा स्पेल्स की मिस्टेक है, ALPHA, ALPHA। तो ये हमारा जो है, अब आप देख सकते हैं जहाँ पे इंटरसेक्शन था वहाँ पे उसने उसको क्या किया, पर्पल उसका ब्लू के साथ जो है और रेड कलर को साथ मिलाया, तो उसने एक न्यू कलर जो है उसने वहाँ पे जनरेट किया है। तो वहाँ पे हम चेक कर सकते हैं जहाँ जहाँ पे ये कलर हमारा चेंज हो रहा है, ये सारा यहाँ पे क्या है, इंटरसेक्ट हो रहे हैं हमारे दोनों डाटा सेट जो आपस में इंटरसेक्ट हो रहे हैं। तो ये तो था, हमने हिस्टोग्राम देखा अपना मैटप्लॉटलिब के ज़रिए से। अब हम इसकी जल्दी से प्रैक्टिस कर लें, फिर हम जो है सीबोन के ज़रिए से डाटा की विजुलाइजेशन चेक करते हैं अभी। अच्छा जी, सी बोन के ज़रिए से अब हम अपने डाटा की विजुलाइजेशन देख लेते हैं। मैं इंपोर्ट करवा लेता हूँ नम पाई को एज NP, इंपोर्ट करवा लेता हूँ मैं जी मैट प्लॉट लिब, पहले से हमारी है पड़ी मैट प्लॉट लिब, हमने पहले से करवाई हुई है, तो मैं सी बोन को करवा लेता हूँ SEABORN एज SNS, ठीक है। और उसके बाद जो है मैं इंपोर्ट करवा लेता हूँ, इसको नीचे ले आऊँ मैं ज़रा, फ्रॉम नंपाई डॉट रैंडम, रैंडम नंबर्स को जनरेट करने के लिए मैंने इसको इंपोर्ट करवा रहा हूँ, इंपोर्ट रैंड एन, ठीक है, रैंड एन को मैंने इंपोर्ट करवा लिया इसके अंदर से, और ये मेरा हो गया है, इंपोर्टिंग डन हो गई है मेरी। अब जो है मैं अपने दो डाटा सेट क्रिएट कर लेता हूँ, डाटा सेट वन इज़ इक्वल टू रेंड एन, इसमें मैं पास कर देता हूँ 500, डाटा सेट टू, शेप ऑफ द आउटपुट मैट्रिक्स पैरामीटर जो है हमारे पास एक आर्गुमेंट जो है ये कंटेन करता है, इफ़ एन इज़ एन इंटीजर ईच स्पेसिफाई द साइज ऑफ द डायमेंशन, ठीक हो गया। तो जो मैंने आपको बताया था 500 मैंने बोला था, तो वो हमारे पास एक डायमेंशन का साइज़ जो है हमें बता रहा होता है, ठीक है। अच्छा खैर, इसके बाद जो है हम प्लॉट कर लेते हैं, जॉइंट प्लॉट को चेक करते हैं, हमारे पास SNS डॉट जॉइंट प्लॉट, मैं जॉइंट प्लॉट करने जा रहा हूँ, मैं दोनों अपने डाटा सेट को जिस तरह मैंने यहाँ पे किया, इसको यहाँ पे मैंने इसको मिक्स किया किस तरह, इस तरह अल्फ़ा वैल्यूज़ दोनों की जो है 0.5 की मैट प्लॉट लिप के अंदर, इसी तरह मैं यहाँ पे जॉइंट प्लॉट जो है उसको करने जा रहा हूँ, डाटा सेट वन कोमा डाटा सेट टू, तो जॉइंट प्लॉट जो है ये मेरा बन गया है, जहाँ पे मेरे पास डाटा सेट वन जो है मेरे पास एक्स एक्सिस के ऊपर है और डाटा सेट टू जो है मेरे पास वाई एक्सिस के ऊपर है। फिगर का साइज़ काफ़ी लेंथ ही है, तो मैं इसका जो है साइज़ उसको भी कंट्रोल कर सकता हूँ, साइज़ को कंट्रोल करने के लिए मैं लिखूँगा HEIG हाइट इज़ इक्वल टू, इसको मैं 5 कर लेता हूँ, तो अब इसका साइज़ एक्यूरेट है।
एक्स और वाई एक्सिस पे मैं लेबल्स जो हैं उसको प्लेस कर लेता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ डॉट सेट एक्सिस लेबल्स, उसमें पहला आर्गुमेंट मैं एक्स एक्सिस को देता हूँ, तो हमेशा तो डेटा सेट ए वन, सॉरी डेटा सेट वन, और इसी तरह दूसरा आर्गुमेंट मेरे पास वाई एक्सिस का होता है डेटा सेट टू। यहाँ पे मैंने स्पेस दे दिया है, अब इसको मैंने प्रिंट किया है तो उसने डेटा सेट टू मेरे पास वाई एक्सिस के ऊपर है और डेटा सेट वन मेरे पास एक्स एक्सिस के ऊपर है, ये उसने मुझे जॉइंट दोनों डेटा सेट को जॉइंट करके यहाँ पे डिस्प्ले करवा दिया है। अच्छा, अब मेरे पास काफ़ी सारे जॉइंट प्लॉट मेरे पास काफ़ी सारे एग्जिस्ट करते हैं एसएनएस के अंदर। मैं बारी बारी आपको दिखा देता हूँ। आपके पास स्कैटर भी होता है, आप जो है आप यहाँ पे लिखेंगे काइंड इज इक्वल टू स्कैटर, तो आपको स्कैटर डिस्प्ले करवा देगा। अगर आप यहाँ पे लिखेंगे काइंड इज इक्वल टू, काइंड इज इक्वल टू यहाँ पे लिख दें रैक रेगुलर, ठीक है, तो आपको रेगुलर जो है डिस्प्ले करवा देगा, ठीक है। रिग्रेशन सॉरी रेगुलर रिग्रेशन सॉरी आपको वहाँ पे डिस्प्ले करवा देगा, तो उसने यहाँ पे उस लिहाज से डिस्प्ले करवा दिया। अगर आप जो है यहाँ पे इसको कॉपी कर लें और यहाँ पे जो है इसको लिखें रिग्रेशन की जगह रेज की जगह लिख दें आप RSID, तो आपको उस लिहाज से डिस्प्ले करवा देगा, ठीक है। अगर आप यहाँ पे लिख दें मोस्ट प्रिसाइज, अगर आपने लेके आना है अपने इस डाटा सेट को, ये जो आपने सबसे ऊपर जो आपने देखा चेक किया, इस डाटा को मोस्ट प्रिसाइज जो है आपने फेच करना है, तो आपके पास हैक्स का टाइप होती है, आपके पास आप लिख दें हैक्स, ठीक है, तो आपके पास मोस्ट अप्रोप्रिएट यहाँ पे और अच्छे तरीके से शो हो गया, ठीक है। जहाँ पे ये ज़्यादा डार्क हैं इट मींस के वहाँ पे ये ज़्यादा जो है आपके इंटरसेक्ट हो रहे हैं, ये भी इंटरसेक्ट हो रहा है, ये भी इंटरसेक्ट हो रहा है, अदरवाइज़ नहीं हो रहे। आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हैं, कलर इज़ इक्वल टू आप कर दें जी रेड कर लें बेशक, तो आपका कलर रेड हो जाएगा। इसी तरह आप कलर इज़ इक्वल टू इंडियन रेड कर लें बेशक, तो इंडियन रेड हो जाएगा। आप कलर इज़ इक्वल टू ऑरेंज कर लें आप, आप जो मर्ज़ी कलर उसको देंगे वो उसको उसमें आपको डिस्प्ले करवा देगा, ठीक हो गया। अच्छा, इसके साथ एक और जो है आपने अगर इंटेंसिटी जो है ज़्यादा मोस्ट एक्यूरेट इंटेंसिटी को शो करवाना है कि कहाँ पे आपका डाटा का रुझान जो है किस साइड पे ज़्यादा है, ज़्यादा जो है आपका डार्क एरिया कौन सा है, आपने वो उस चीज़ को शो करवाना है, तो आप केडी उसको यूज़ करते हैं काइंड। अब उसको आप प्रिंट करवाएंगे तो आपको उसने ये देखें आपको ज़्यादा इस तरह शो करवा दिया, सबसे सेंटर में हमारे पास जो है ज़्यादा वैल्यूज़ हमारे पास वहाँ पे एग्जिस्ट कर रही हैं। अगर आप इसको यहाँ पे कर लें कलर इज़ इक्वल टू, आप कर लें यहाँ पे ऑरेंज कर लें आप, या फिर आप यहाँ पे येलो कर लें, येलो वहीं, ठीक है, तो येलो से आपको और भी ज़्यादा डिस्प्ले हो जाएगा। आप बेशक यहाँ पे ऑरेंज भी कर सकते हैं। तो ये डिफरेंट जो है हमने डाटा की विजुलाइजेशन देखी, इसके अंदर हमने मैटप्लॉटलिब को यूज़ किया, हमने सीबोन को यूज़ किया, और उसके ज़रिए से हमने जस्ट बेसिक अभी हमने चेक किए हैं कि हमारे पास बेसिक किस तरह है। बाकी इंशाल्लाह जो है नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम अपने डाटा की विजुलाइजेशन की तरफ प्रॉपर तरीके से मूव करेंगे। जस्ट अभी तो हमने मुख्तलिफ देखे कि हमारे मेथड क्या हो सकते हैं, हिस्टोग्राम को भी हमने देखा है हमारे पास हिस्टोग्राम किस तरह मैटप्लॉटलिब में ड्रा होता है, और उसके बाद जॉइंट प्लॉट हमने चेक किया हमारे पास जॉइंट प्लॉट सीबोन के अंदर कैसे इंस्टॉल होता है, कैसे प्लॉट होता है, और डिफरेंट काइंड्स के हमने जॉइंट प्लॉट जो हैं उनको यहाँ पर डिस्प्ले करवाया है, ठीक है। तो आप डिफरेंट काइंड के जॉइंट प्लॉट्स को भी डिस्प्ले करवा सकते हैं, इसकी आप लोग प्रैक्टिस कर लें। इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम नेक्स्ट विजुलाइजेशन की तरफ मूव करेंगे।